नमस्कार जी, मैं मंजू समर के ये खूबसूरत जो 4 o'clock देख रहे हैं, मेरा वीलिस देख रहे हैं, तो इन्हें आप अभी भी ग्रो कर सकते हैं और मैं इन पे जानकारी दूंगी ग्रो करने से पहले। और मेरे गार्डन में जो मैंने घर के बाहर भी लगा रखे हुए हैं, तो ये सेल्फ सीडिंग होते हैं, कभी भी ख़त्म नहीं होते। एक बार लगा दूँ खुद सीड गिरता रहता है और प्लांट्स तैयार होते रहते हैं। तो पूरी जानकारी देने से पहले मैं दिखा दूं, वैसे अब 11 बजने वाले हैं, पता नहीं इस टाइम खिले होंगे कि नहीं, क्योंकि ये शाम के टाइम खुलते हैं और सुबह तक खुले रहते हैं और फिर धूप निकलने पर जो है ये बंद हो जाते हैं। तो अभी मैं देखती हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे होते हैं। मैंने ये घर के बाहर लगाए हुए हैं, तो अभी ये बंद हो गए हैं, ये देख रहे हैं इस तरह से येलो कलर के, तो कई रंगों में ये पाए जाते हैं। तो ये बड़े पेड़ों के नीचे जो लगा सकते हैं, जैसे चांदनी वगैरह लगाई हूँ, दूसरे लगाए हूँ, तो ये खुले में ही लगे हुए हैं बाहर। तो अभी जो मैंने ग्रो किए हैं, इन्हीं के सीड चुन के मैंने ग्रो किए हैं और वो मैं अपने प्लांट्स आपको दिखाती हूँ और पूरी इन पे जानकारी देती हूँ। तो धूप बहुत तेज़ आ रही है और ये छनते हुए ओलियंडर का प्लांट भी है, और ये थोड़ी जो सीधी धूप आ रही है, पत्तियाँ इसकी ये देखिए कैसी हो रही हैं। इस तरह से ये लगा सकते हैं, खूब फूल आते हैं इन पे गर्मियों पर। तो इस तरह से ये नया प्लांट मेरा जो तैयार हुआ है अभी, ये देख रहे हैं, ये सड़क के किनारे अपने घर के बाहर मैंने ये लगाया है। तो पुराने प्लांट मैंने इसके निकाल दिए थे, ये अपने आप ही निकले हुए हैं, फूल इस टाइम जो नहीं खिल रहे हैं। और ये फ्लावर बर्ड्स ये देखिए खूब आई हुई हैं, ये आई हुई हैं, ऐसे आई हुई हैं इस पे, ये इस तरह से लगा हुआ है। तो ये देख रहे हैं आप, ये मैंने ग्रो की हैं, ये मैंने 20 को ग्रो की हैं, 25 को ये निकल आए हैं। ये अपराजिता का प्लांट ग्रो किया है और ये सब ग्रो किए हैं, तो इतने नज़दीक नज़दीक तो ये नहीं लगने हैं, मैंने इसलिए डाल दिए थे, पता नहीं कितने सीड निकलेंगे और कितने नहीं। और अभी जो बहुत सारे गमले खाली हुए हैं विंटर वाले, तो उनमें मैं फिर ये इन्हें ट्रांसप्लांट कर दूंगी। वैसे इस टाइम ट्रांसप्लांट करना बहुत ही जो है मुश्किल भरा होता है, क्योंकि समर स्ट्रेस होता है तो प्लांट का चल पाना मुश्किल हो जाता है। हाँ, रूट बॉल जो बंधा हुआ हो मिट्टी के साथ, जब मिट्टी पूरी नीचे से निकाली हो, रूट डिस्टर्ब ना हो, तो फिर इजली चल पड़ते हैं। तो इस तरह से ये देखिए, तो मैं देखती हूँ अभी इधर रखती हूँ कि क्या करती हूँ इनको। तो ग्रो करने से पहले मोटे तौर पे मैं जानकारी दे दूँ इसके बारे में। ये ट्रॉपिकल प्लांट है और जो अमेरिका का नेटिव है। ये एक लंबा ये जो देख रहे हैं ना, ये वाला प्लांट, लंबा प्लांट जो मैंने बाहर अभी दिखाया है, वुशी प्लांट है। वैसे तो ये पेरिनियल है, पर इसे एनुअल प्लांट के तौर पर भी आप लगा सकते हैं। इसकी जो लीव्स होती हैं, पत्तियाँ, ये जो अभी आ रही हैं, ये तो पहले वाली शुरू की 2 पत्तियाँ होती हैं और ये बाद वाली इस तरह की, ये हार्ट शेप की लिए हुए होती हैं। और जो फूल आते हैं वो ट्रम्पेट शेप के होते हैं। तो मैंने आपको अभी बाहर फूल दिखाया, खिला तो नहीं था क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो गई थी, और वो बंद हो जाते हैं, सुबह सुबह तक खिले रहते हैं बस। तो ये कई रंगों में पाए जाते हैं, जैसे सफ़ेद, पिंक, रेड, येलो और भी कई सारे कलर्स, और कुछ जो है वो मिक्स कलर में भी होते हैं। तो कई बार एक सिंगल प्लांट पर आपको एक से ज़्यादा कलर के फ्लावर्स जो देखने को मिल जाएंगे, मतलब होते हैं, आते हैं उन पे। तो प्रोपगेशन कैसे करते हैं इसके, इसको आप सीड से ग्रो कर सकते हैं और 1 हफ्ते में जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने इसको 20 तारीख को लगाया था और 25 को इसकी जो जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई थी। तो जैसे कोई कोई बीच में एक आधा 2 दिन ज़्यादा भी ले लेते हैं, ज़रूरी नहीं कि जितने को आप जितने सीड आप लगाओ एक ही दिन में उगे, तो कई सारे सीड्स के साथ ऐसे भी हो जाता है। तो इसे आप साल में कभी भी लगा सकते हैं, बस अर्ली विंटर ना लगाएं, क्योंकि जो जब विंटर होती है तो ये डोरमेंसी पीरियड में हो जाते हैं, तो इनकी ग्रोथ नहीं होती है। हाँ, पुराने प्लांट हो तो कोई कोई आधा, जैसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती है तो कोई कोई ऐसे फूल इनके निकलते हैं, ज़्यादा नहीं निकलते हैं। तो पुराने जो प्लांट होते हैं, तो उनके जो ट्यूबर भी होते हैं, नीचे ट्यूबर बन जाते हैं, तो उनके उनको आप नए प्लांट बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी तो ये मैं बता ही चुकी हूँ कि ये सेल्फ सीडिंग होते हैं, यहाँ यहाँ एक बार आप ग्रो कर देते हैं तो इनके सीड जो हैं गिरते ही रहते हैं। ये इस तरह के सीड होते हैं, ये खूब सारे ये सीड, ये इस तरह के सीड ये।
जैसे पपीते के होते हैं ना, वैसे देखने में लग रहे हैं। तो ये यहाँ कहीं भी गिरते हैं और खूब सारे पौधे इसके तैयार होते हैं, बल्कि आपको तो निकाल निकाल के फिर ये फेंकने पड़ते हैं। तो मेरे यहाँ खूब सारे उगे हुए थे, तो मैंने सफाई कराई, खूब सारे निकाल दिए जो नीचे अभी मैंने दिखाए। तो वो एक पौधा मैंने उसका अभी रखा है, तो बस ऐसे ही है ये, एक बार बस लगा दो तो फिर अच्छे से ये तैयार हो जाते हैं। और इसके बारे में मैंने जो बता दिया कि 20 को लगाए थे और 25 को इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई है, तो ये इतने हो गए हैं, 20 को लगाए थे, इतने बड़े बड़े हो गए हैं। अब ये भी पत्ती दो दो और भी ये आना बीच में ये स्टार्ट हो गई हैं। और इनको धूप कैसी चाहिए, तो वैसे तो ये धूप में लगाए जाते हैं, धूप इन्हें अच्छी लगती है, और बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जैसे मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर जाता है समर में, तो फिर इन्हें कुछ एक घंटे की धूप सुबह की मिले तो ठीक है। और मैंने तो वैसे बाहर ही लगाए हुए हैं, वो चांदनी वगैरह का आसपास पेड़ है, ओलियंडर का लगा हुआ है, तो थोड़ी सी छाया रहती है, तो उसमें अच्छे से ये चलते हैं, और खुली धूप में भी वो भी चल जाते हैं, पर फिर पानी की बहुत इन्हें ज़रूरत, जैसे पानी दिया भी वो मिट्टी मॉइस्ट भी रहती है, और फिर भी ऐसे पत्तियाँ जो दोपहर के टाइम ऐसे लगता है जैसे मुरझाई हुई लगती हैं, तो इसलिए इसको शेड में या हल्की धूप में आप लगा सकते हैं, उसमें अच्छे से चलते हैं। ये मैंने नेट के नीचे रखे हुए हैं, तो नेट से आपको दिख रही होगी छाया, दिख रही होगी, तो बस यही सब केयर करनी है। अब आप एक बार लगा दोगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि इनको कैसा कैसा क्या किस तरह की चीज़ चाहिए। और सॉइल की बात करूँ तो ये किसी भी तरह की मिट्टी में, किसी भी गार्डन सॉइल में चल जाते हैं। और जो मैंने बाहर लगाए हुए हैं उनमें ना तो मैंने कभी खाद दी, इतने सारे वो फैल जाते हैं, इस बार तो मैंने सफाई करा दी, खूब सारे फैले थे, तो वो बस सड़क की जो मिट्टी वो हटा के जो उसमें लगे हुए हैं, मैंने कोई कभी खाद वगैरह नहीं दी, तो इसी तरह से मतलब बहुत ही ईजी टू ग्रो हैं ये, तो ये इसी तरह से आप लगा सकते हैं। और केयर इसकी यही है, बस पानी कैसे देना है, पोट में लगा है तो उसे हर रोज़ पानी की ज़रूरत है, और अगर ज़मीन में लगा है तो छाया नहीं है, सीधी धूप पड़ रही है, तो फिर आजकल एक टाइम तो इसे पानी दे ही दें। तो मैं इसको जो नेट के नीचे रखा है और साइड से धूप आती है, और वैसे नेट से भी छन के धूप आप देख रहे हैं ना आ रही है, तो एक टाइम सुबह इसको पानी देती हूँ, बिल्कुल सूखा नहीं रखती हूँ, मिट्टी को हल्का मॉइस्ट रखती हूँ। तो इनको क्यारियों में लगा सकते हैं, पोट्स में लगा सकते हैं, इनकी हैज भी कलरफुल आप बना सकते हैं। तो यही सब करना है। और ये ग्रो कैसे करने हैं, तो मैं अभी आपको ये सीड तो मैंने आपको दिखाई दिए हैं, ये दिखाई दिए हैं, तो बस सब कुछ नहीं करना, मिट्टी मेरी मॉइस्ट है, ये मॉइस्ट है, बस वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए, उससे ये इनके प्लांट जो हैं वो गल भी जाते हैं। तो ये देखिए मिट्टी गिल्ली है, सुबह पानी दिया, बस ऐसे सीड लिया और ये इतना दबा दिया, बहुत गहरे से नहीं दबाना, ये इतना का दबा दिया, और ये यहाँ पे बस इतना सा गड्ढा, हल्का सा ये इतना सा किया, और इसमें भी ये दबा दिया, तो मिट्टी जो है हल्की मॉइस्टी होनी चाहिए इसकी। सूखने पे बाहर जो मेरे अभी मैंने उस पर पानी नहीं डाला था, तो आज मैं डालना भूल गई उसमें पानी, तो वो जो पत्तियाँ उसकी मुरझाने जैसी लग गई हैं, तो अभी थोड़ी देर में मैं उसमें पानी डालूंगी, वैसे सुबह सुबह दे देती हूँ, तो आजकल मेरे यहाँ थोड़ा पानी की प्रॉब्लम होने लगी है, तो ये इतने सीड दबा दिए हैं, ये जो ये मैंने जितने भी लगाए थे पूरे के पूरे उग गए मेरे, ये बस इसी तरह से लगाने हैं, और कोई भी खास केयर नहीं है इसकी, तो आराम से आप इन्हें लगा सकते हैं और रंग बिरंगे फूल गर्मियों में इसके पा सकते हैं। और बोटल में जो मैंने मिनी गार्डन बना रखा हुआ, आज भी इसमें उतने ही फूल खिले हुए हैं, ये देख पा रहे हैं आप कितने सुंदर प्यारे लग रहे हैं। नमस्ते जी, शुक्रिया, गर्मियों में आप ये सब पौधे लगा के गार्डन को जो है फूलों से भरा हुआ रख सकते हैं।